أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. محترم علماء الكرام حاضرين مجلس مردو خواتين أتكي يا مجلس हुकूक के नाम से मानवन है आपने बहुत सारी तकरीरें मुख्तलिफ़ हुकूक पर सुनी हैं हुकूक की तरतीब के अतबार से अगर देखा जाए तो एक मुसलमान पर सबसे पहला हक़ अल्लाह का बनता है तफसील से आपने इस बाबत सुना और दूसरा हक़ तरतीब के एबार से व वह नबीी करीम सलील् वम का हक है और मुझे इसी के ताक़ से कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं कि नबी करीम सल्ला वम के हकूक़ एक उम्मती पर हम मुसलमानों पर मर्दों पर और, और औरतों पर क्या कुछ हैं और उन्हें कैसे अदा करना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हकूक़ हैं उनमें सबसे पहला हक़ आप पर ईमान लाना है आपकी इताअत करना है पैरवी करना है आपके तरीक़े और आपकी सुन्नत का इतबा करना है क़़र मजीद में अल्लाह तबारक ने इसका हुक्म दिया है फ़रमाया फ़ आमिन बिल्ला व रसूल ही व नूर अनज़लना कि अय मुसलमानों तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ वन नूरध अनज़लना और उस नूर पर कुरान मजीद पर ईमान लाओ जिसको हमने उतारा है एक और दूसरी जगह पर अल्लाह तबी करीम सल्हम पर ईमान लाने का हुक्म देते हुए फ़रमाया इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबरों व नदीरा हमने आप को गवाही देने वाला खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर मबूस फरमाया है रसूल बनाकर भेजा है लतु मिनुबिल्ल व रसूली ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो अल्लाह की नबी की बेसत का मकसद आपको रसूल बना भेजे जाने का मकसद अल्लाह ने बताया लितु उमीनोबिल्ल व रसूल ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और रसूल पर ईमान लाओ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ये वाजिब है फ़र्द आयन है इसके बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है और ना इसके बगैर इस्लाम सही होता है और आप पर ईमान लाने का मतलब यह है नबी करीम अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब यह है कि आपकी नबूवत की तस्दीक करना आपको सच्चा और हकीकी नबी मानना और फिर आपके लाए हुए शरीयत को तस्लीम करना और उसके मुताबिक अमल करना है जब दिल से ये गवाही अदा हो जाए कि आप वाकई सच्चे नबी हैं, दिल तस्लीम कर लें कि आप सच्चे नबी हैं तो ज़बान से उसका इकरार करना और अमल के ज़रिए से उसकी शहादत देना ये ईमान कामिल है इसी से बंदे का ईमान मुकम्मल होता है जब जब दिल में यह अदा हो कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी हैं और ज़बान से उसका इकरार हो जाए उसकी शहादत हो जाए और अमल के ज़रिए से उसकी तस्दीक की जाए और अमल उसके मुताबिक किया जाए तो बंदे का ईमान तमाम होता है और मकमल होता है नबी करीम सल्ला वम पर ईमान हमारा ईमान है हम मुसलमान हैं हम नबी को मानने वाले हैं लेकिन नबी को मानने और नबी के ईमान को साबित करने वाली तीन बातें हैं अगर ये तीन बातें आपके अंदर पाई जाती हैं और अगर ये तीन चीज़ें आपके अंदर हैं तो यकीनन मानिए आप आप सही माने पर सही माने में अल्लाह के नबी वसल्लम पर आपका ईमान है अगर इनमें से कुछ कमी है तो उसे पूरा करने की ज़रूरत है आपका ईमान मुकम्मल नहीं है पहली चीज़ ये कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की मकमल इतहात करना नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है जिन चीज़ों से मना किया है उन तमाम बातों में नबी करीम की वकम्मल इत करना अगर आपके अंदर इतहात का जज्बा है अगर आप वाकई माने में नबी करीम सल्ला वम की इतहात करते हैं आपकी बातों को तस्लीम करने के साथ उस परमल करते हैं जिनसे आपने मना किया है उससे आप अपने आप को रोकते हैं तो समझिए कि आप आपके अंदर इताात का ये इतात का जज्बा है इतात की ये खूबी है ये आपके नबी पर ईमान की आलामत है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया यूअल्दीन आमन अति व रसूल वन तुम तस्मा अ ईमान वालो तुम अल्लाह अल्लाह की इतात करो और उसके रसूल की इतात करो और तुम उनसे मुंह ना मोड़ो इस हाल में कि तुम सुनते हो सुन रहे हो और सुर हशर में अल्लाह ने फरमायामा आता कुमर रसूल फखदु वमा नहा कुमान फ़नता हो और रसूल करीम अलैहि वसल्लम तुम्हें जो दें तो तुम उसको ले लो और जिससे मना करें रोकें उससे तुम रुक जाओ तो नबी की बातों को लेना उसको कबूल करना उस पर अमल करना यह इतात का जज्बा है अगर ये है तो आपके अंदर ईमान है नबी पर ईमान आपका सही है और अबू हुरैरा की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अता अन अता अल्लाह जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की वो मन आसानी फ़कत अ और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इताअत को और अपनी नाफरमानी को अल्लाह की इताअत से और अल्लाह की नाफरमानी से बांध दिया है कि अगर आप हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करने वाले हैं बात मानने वाले हैं इतबा और पैरवी करने वाले हैं तो आप अल्लाह के अल्लाह के मुती और फरमाबरदार हैं अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन आप अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं हैं एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे और वाज अंदाज़ में फ़रमाया कि अबूर राही उसके रावी है फ़रमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी इल्ला मन अबा सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार कर दिया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया कलू या रसूल अल्ला उमईया अबा साहबा ने कहा अय अल्लाह के रसूल कौन इनकार करेगा यह फितरी सवाल है जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा हर उम्मती की यह ख्वाहिश है कि उसको जन्नत मिले वो जन्नत में उसको दाखिला मिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया जन्नत में जाने से इनकार कौन करेगा आपने फरमाया मन अतानी दखल जिसने मेरी इताअत की जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा व मन आसानी फकत अबा और जिसने मेरी नाफरमानी की तो गोया के उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया तो नबी करीम सलम की अताद इंतहाई अहम चीज है यह आप पर ईमान की अलामत है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होगी वही सच्चे माने में मोमिन है दूसरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को साबित करती है और बतलाती है कि वाकई हम सच्चे माने में नबी पर ईमान रखते हैं वो है आपकी सुन्नत की आपके तरीक़ों की पैरवी करना आपके तरीक़े की इत्तबा करना कि आदमी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत की सुन्नत का मतब है नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्त है आपकी पैरवी करने वाला है आपका मुतबे है तो यकीनन वो सच्चे माने में मोमिन है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कुल कुल तुम तो हब्बल्लाफनी अल्लाह वक़िलकुम दोनू बकुम अगर तुम आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फत तुम मेरी इतवा करो मेरी पैरवी करो नबी के तरीक़ों पर चलना चाहिए नबी की सुन्नत के मुताबिक जो है अमल करना चाहिए अगर नबी की सुन्नत का इतबा है उसकी पैरवी है तो यकीनन ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है और इसका नतीजा यह है युबिपकुमल्लाफिलकुम रनूबुम अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और दूसरी जगह पर अल्लाह ने कहा फ़ला व रबलामीन हत युक्की का फ़ीमा शजरा बिन तुम मलायफ़ी अनफुसिम्म कवैत व्यूसली तस्लिमा नबी की सुनतों की पैरवी नबी की इक्तदा का एक मतलब यह भी है कि अपने सारे मामलों में अपने सारे मसाइल में चाहे वो हमारे घर घर के मसाइल हों हमारी मिल्लत के मसाइल हों या कौम के मसाइल हों या जमात के मसाइल हों सारे मसाइल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ़ रुजू करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रोशनी में उनका हल तलाश करने की कोशिश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि को ही अपने मामलों में फ़ैसला करने वाला आपकी सुन्नत को हकम मान लें और तस्लीम कर लें तो तभी ये वाक़ माने में हमारा नबी करीम वसल्लम पर ईमान मुकम्मल होता है और पूरा होता है अल्लाह ने कहा फला व रबिन आपके रब की कसम वो मोमिन नहीं है आपके रब की कसम वो मोमिन नहीं है हतुकी मूँह का फ़ीमा छ यहाँ तक कि वह आपको हकम बना लें आपको जज बना लें अपने उन मसाइल में जिनमें उनके दरमियान इख्लाफ रनुमा हुआ है इख्लाफ पैदा हुआ है अपने इख्लाफी मसाइल को हल करने के लिए अगर एक मुसलमान किताब अल्लाह और सुनत रसूल की तरफ रुजू करता है उनकी रोशनी में अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करता है तो यकीनन ये ये ईमान की अलात है यह उसके मोमिन होने की अलामत है अगर वो अल्लाह और रसूल के अलावा किताबोसन्नत के अलावा किसी और तीसरे की तरफ रजू होने की कोशिश करता है तो यकीन उस वो अपने ईमान के दावे में जुटा है उस क्या उसका ईमान मुकम्मल नहीं है अधूरा है इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह पर और वाज अंदाज में बयान फरमाया कि आलीन आमन अति फैन तनाजा तुम फिश इन फ़रुदू अल्लाबल रसूल इनकुन तुम तुम नबिल्ला आखिर व अहसन अ ई ईमान वालो तुम अल्लाह की इतायत करो तुम रसूल की इतायत करो और अपने उलुल उलम्र की अपने उलमा की फ़ुका की इताअत करो अपने उमरा और हुकाम की इताअत करो फैन तनाजा तुम फिशइन अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज़ को लेकर इख्तलाफ पैदा हो जाए किसी चीज़ में तुम्हारे दरमियान फूट पड़ जाए हो जाए तनाज़ा वाक़ हो जाए तो फर इल्लाहि इला इलाबर रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ और तुम उसको लौटाओ रसूल की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब तक बायद हयात थे तो आपकी तरफ लौटाने का हुक्म दिया गया कि आपकी तरफ उस मसले के हल के लिए रुजू किया जाए और जब आपके इंतकाल के बाद अब यह हुक्म है कि आपकी सुन्नत की तरफ किताबुल्लाह की तरफ और सुन्नत रसूल की तरफ जो है रुजू किया जाए आगे अल्लाह ने यह शर्त लगाई इन कुन तुम तुम्नबिल्ला वलोम आखिर अगर तुम्हारा अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है अगर ईमान आखिरत पर है अल्लाह पर ईमान है तो इसका तकादा यह है कि आदमी अपने इख्ती मसाइल को किताबुल्लाह और सुनत रसूल की रोशनी में हल करने की कोशिश करे अगर कोई आदमी इन दोनों को छोड़कर किसी और तीसरे की तरफ़ जाता है वो चाहे जो भी हो तो यकीनन उसका यह ईमान उसका ईमान का दावा मशकूक है तो यह दूसरी बात थी कि आदमी नबी की सुन्नतों का पैरोकार हो नबी की सुन्नतों और सुन्नतों आ, सुन्नतों की इतबा करने वाला हो तीसरी चीज़ जो नबी के ईमान पर यह नबी पर ईमान को साबित करने वाली है कि बंदा वाकई माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है सच्चा सच्चा मोमिन है तीसरी चीज़ यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की नबी की मुखालफत करने वाला ना हो बल्कि उन उन तमाम आदतों से उन तमाम कामों से वो दूरी करने वाला हो जो उसको नबी की सुन्नतों से दूर ले जाने वाली हैं नबी की इतबा से दूर ले जाने वाली हैं नबी की मुखालफत वो कभी नहीं करता अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बाबत तंबी करते हुए फ़रमाया फल यदरदी न आनमरी अन तसी बहुम फितूसी बहुम आदाबनलीम के अल्लाह ताल ने कहा उन लोगों को डरना चाहिए जो आपके हुक्म की मुखालफत करते हैं अंतुसी बहुम कि उनको कोई फितना ना आले या ओसी बहुम आजाबन अलीम या उनको कोई दर्दनाक आजाब ना गिरफ्त में ले ले तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख़ालफ़त इंतहाई ख़तरनाक अमल है चाहे आपकी ज़ात की मुखालफत हो या आपकी सुन्नत की मुखालफत हो या आपके कौल की मुखालफत हो या आपके फ़ैल की मुखालफत हो जो नबी करीम सबित है उसकी मुखालफत यह बहुत महंगी चीज़ है यह इंसान को फितने में मुबला करने वाली चीज़ है यह इंसान को दुनिया में और आखिरत में अज़ाब से दो चार करने वाली चीज़ है दूसरी जगह पर अल्लाह त कहा वसूल इम्बाद मा तबल वय तब गिन नवलही इमा तवल्लाुस्सही जहन्नम अत मसीरा जो शख्स अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्ला वसम की मुखालफत करता है हिदायत के वाज हो जाने के बाद और मोमिन के रास्ते के अलावा की पैरवी करता है तो हम उसको उसी के हवाले कर देते हैं और उसको जहन्नम में दाखिल कर देते हैं तो नबी की मुखालफत यह इंतहाई खतरनाक अमल है तो जो जो बंदा नबी की मुखालफत करता हो अपने किसी भी अमल में अपने किसी भी तर्ज में यकीनन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही माने में मोमिन नहीं है अबू हुरैरा के रज़ी तनों की रवायत में है सही मुस्लिम में एक लंबी रवायत है कि नबी करीम सलील व एक मरतबा कब्रस्तान की तरफ गए और फिर आपने अपनी उम्मत की कैफ कई, कैफियत और सिफत का बयान किया उसमें आपने आगे ये फरमाया फलायुदा युदा दन न रिजाल के नबी करीम साल फरमाते हैं कि कुछ लोगों को मेरे हाउस से दूर भगाया जाएगा दूर किया जाएगा उनको दफ उनको ढकेल दिया जाएगा कमायुदादुलबाजाल जिस तरीके से एक भटका हुआ ऊंट जो है उसको भगाया जाता है तो उसी तरीके से कुछ मेरी उम्मत मेरे मेरे उम्मतियों में से कुछ लोगों को धुतकारा और भगाया जाएगा तो मैं उन्हें आवाज़ दूंगा फ उनादीम हलुम अला हलुमा तो मैं उन्हें आवाज़ दूंगा कि सुनो इधर आओ फलू तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा इन नदलू बदक इन लोगों ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया था आपके तरीक़े को बदल दिया था आपकी सुन्नतों को बदल दिया था तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में हेरा फेरी करना उसमें तब्दीली कर देना अपने मनमानी उसकी तावील कर देना और उसके मुताबिक अपना नया दीन बना लेना ये नबी दीन में तब्दीली करना है तो नबी करीम वसल्लम ये सुनने के बाद कहेंगे फ़सोहकन फसोह ऐसे लोगों के लिए दूरी हो ऐसे लोगों को दूर कर दिया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुंह मोड़ने वाले हैं उनसे एराज करने वाले हैं आप भी अपनी इन इन बातों से आप भी उनको अपने हाउस कौसट से दूर कर देंगे और एक नबी और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी सुन्नत की मुखालफत की मुख्तलि सूरतें हैं एक सूरत यह भी है कि नबी करीम सल्ह वम की सन्नतों का इनकार किया जाए या उनकी गैर जरूरी नाजायज तावील की जाए और सुन्नत का इनकार किया जाए तो सुन्नत का इनकार करना भी ये बहुत ख़तरनाक अमल है इससे भी बंदा मोमिन नहीं रहता हकीकत में अल्लाह के नबी पर उसका ईमान मुकम्मल नहीं कहलाता अबू राफ़े की रिवायत है नबी करीम अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया अल्लाह नाद को मुद्दक अला अरीकती मैं तुम में से किसी आदमी को ना पाऊं कि वो अपने सोफे पर या अपनी मजलिस में टेक लगाए हुए वो हिल हिर अमरुबिन अमरी उसके पास मेरे अहकाम में से कोई हुक्म आए जिसको मैंने कहा है जिसका मैंने हुक्म दिया है जिससे मैंने रोका है फकुल ला अदरी वो कहे जवाब में कि मैं नहीं जानता मैं ये ये नबी के फरमान को नहीं जानता माँ वजद नाफिकाबिल्ला तबाना हो हमने नबी के हमने किताबल्ल्ला में जो पाया हम उसकी इतब करेंगे हमारे लिए किताबुल्ला काफ़ी है सुनत रसूल की हमें ज़रूरत नहीं है सुनत रसूल से अपनी बराहत का अपनी न, नावाकिफी का, ना नावाफ़ी का नाअलमी का इजहार कर दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा आदमी ये म, ऐसे आदमी से नबी करीम सल्ला वसलम ने मुतनबे किया है कि ये वो लोग हैं जो नबी की सुनतों का इनकार करने वाले हैं और नबी की सन्नतों से दूर ले जाने वाले हैं तो नबी की सनत की मुखालफत करना यह आपके ईमान के मुना है आप पर ईमान के मुनाफी है लिहाजा एक मोमिन को चाहिए कि उसके अंदर ये तीनों बातें पाई जानी चाहिए एक तो नबी वसल्लम की इतबा करे।, करे और उसको अपनाए और तीसरी चीज नबी करीम वसल्लम की सुन्नत की मुखालत से इज्तना करे और परहेज करे दूसरा हक हाँ, नबी करीम सलम के हकूक में से दूसरा हक हाँ है आपसे महब्बत करना है नबी करीम सल्लाम से महब्बत करना है मोहब्बत यकीन हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इससे किसी को इनकार नहीं है लेकिन जो मोहब्बत मतलूब है जो मोहब्बत मतलूब है नबी की वो वो मोहब्बत बहुत कम लोगों में पाई जाती है बहुत कम लोगों में पाई जाती है अगर हम अपना जायज़ा लें और अपना जायजा लें जैसी मोहब्बत कुरान हदीस में नबी से करने के लिए हमें कहा गया है क्या वाकई माने में ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर पाई जाती है तो हम आ, हम हमें महसूस होगा कि हम इस सिलसिले में बड़े कोरे हैं बहुत पीछे है बहुत खाली है हमारा सिर्फ दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं लेकिन उस दावे की दलील हमारे पास मौजूद नहीं है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मैार बताया है और बताते हुए फरमाया कुल इनका आबा हुकुम व अबना हुकुम वह अखवाकुम व अजवाजुम कुम व अमवा वो तजारत तकशोना का साधा बहुत लंबी आयत है अल्लाह ने कहा आप पता कह दीजिए लोगों से कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप वह अबना कुम तुम्हारे बेटे औलाद वह कुम और तुम्हारे भाई वह अजवाज कुम और तुम्हारे शोहर और तुम्हारी बीवियाँ वह अशीरतुम और तुम्हारा ख़ानदान वह अमवा तरफ तुम्हुआ और जो माल तुमने कमाया है वो तजारतन तकशो नकसादा और तुम्हारा व्यापार, कारोबार जिसकी कसा कसात बाजारी का तुम्हें अंदेशा है वह मसा किन उतरद नहा और तुम्हारी ये कोठियाँ और बंगले और तुम्हारे ये घर जो जो जिसको तुम पसंद करते हो अगर ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें अहबाला तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं मिनल्ला व रसूली अल्लाह से और उसके रसूल से व जिहादिन फबीली और अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर तीन बातें अल्लाह ने ज़िक्र की हैं एक अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा इन चीज़ों की मोहब्बत है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा अगर इन सारी चीज़ों की जी ये सारी चीज़ें तुम्हें महबूब है और अगर अल्लाह के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें महबूब हैं तो फतरब बसु तो तुम इंतज़ार करो अगर तुम्हें इन अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद से ज्यादा महबूब ये दुनिया की चीजें हैं ये सारी चीजें हैं तो फतरब बसू तो तुम इंतजार करो हती याती भी अमरी यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए अल्लाह ताला अपना आज़ाब ले आए तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जो अल्लाह से अल्लाह के रसूल से ज्यादा दुनिया की चीजों को महबूब रखते हैं और अल्लाह और रसूल के मुकाबले में और चीज़ों को मुकदम जानते हैं उनकी मोहब्बत को मुकदम रखते हैं अल्लाह ने उनको इस आयत में धमकी दी है वही सुनाई है कि ऐसे लोगों को अल्लाह के आज़ाब का इंतजार करना चाहिए ऐसे लोगों को अल्लाह के हकुम का इंतज़ार करना चाहिए इसी माने की इसी माने में इसी की वजाहत करते हुए नबी करीम सल्ला वसम ने अनसब मालिक की रवायत में फरमाया कि जो अल्लाम वाहदुम अत अकून हब्बली मिम वल ही व वा वालिद ही व नासीन तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसके नज़दीक मैं उसके बच्चों से उसके माँ बाप से और सारे लोगों से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ यानी नबी की मोहब्बत का मैार ये हो कि नबी की मोहब्बत सबसे ऊपर हो सब आला हो अत के अपने माँ बाप से भी ज़्यादा हो अपने बच्चों से भी ज़्यादा हो बल्कि दुनिया की तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो तब इस इस मीयार की मोहब्बत अगर एक मुसलमान के दिल में है नबी से मोहब्बत इस मीयार की है तो यकीनन ऐसा मुसलमान वो कामिल मुसलमान है और फिर दूसरी रिवायत में अनस ने मालिक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासुन मनकुन नफ़ी वजद अल ईमान के तीन आदतें तीन खसलतें तीन खूबियाँ जिस शख्स के अंदर होंगी वह ईमान की मिठास पालेगा उसको ईमान का मज़ा मिलेगा वह ईमान का जायका महसूस करने लगेगा ईमान से उसको लज्जत मिलने लगेगी पहली चीज़ आपने फरमायाकून अल्लास मम्म सिवा कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक तमाम चीज़ों से ज्यादा महबूब हों तो अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम चीज़ों से ज़्यादा हो तो तब उसको ईमान की मिठास मिलती है ईमान की हलावत मिलती है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जब हम दावा करते हैं तो हमें इस दर्जे की मोहब्बत इस इस मेयार की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करने और महसूस करने की ज़रूरत है नबी करीम से मोहब्बत करना इतना बड़ा अमल है इतना इतना बड़ा अमल है और इतना अजीम उसका अजर है कि अनसिबिन मालिक की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अन न रज उतन नबी अलैहि वसल्लम कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उसने कहा मतस्सा क़ियामत कब हैमत कब है, है? अल्लाह के नबी ने कहा माँ आदत तला के तुमने क़ियामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है तो उस आदमी ने कहा माँ आदतुल्लामत के लिए बहुत बड़ी तैयारी नहीं की है ज्यादा नमाजें मेरे पास नहीं है ज्यादा रोजे मेरे पास नहीं है ज्यादा सदका व खैरात मैंने नहीं की वाला किन्नी व रसूला लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से अव... मेरे पास कोई ज्यादा बड़े अमाल नहीं है मैं बहुत बहुत नमाजी नहीं हूँ बड़ा रोजदार नहीं हूं बड़ा सदका व खैरात करने वाला नहीं हूं लेकिन मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं अल्लाह के नबी ने कहा अंतमा अहबप्ता कि तुम उन लोगों के साथ रहोगे जिनसे जिन्हें तुम्हें मोहब्बत है यानी या इसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो क़ियामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ रहेगा यकीन जानिए अल्लाह के रसूल का दर्जा जो अल्लाह ताला ने कुर मजीद में बयान फरमाया वयूत अल्लासूल व उल गल्दी अन मिनन नबीन व्द्दीक़ीन व शदा व साल तो ये इतना ऊँचा मरतबा नबी से मोहब्बत का करने वाले का है कि जो आदमी वाकई माने में नबी की मोहब्बत अपने दिल में रखे हुए है वाकई माने में नबी से मोहब्बत करता है तो वह क़ियामत के दिन नबी करीम सल्हसम के साथ होगा आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो मोहब्बत करने वाले की मर्जी तलाश करता रहे उसको राजी करता रहे कभी वो ऐसा अमल नहीं करता जिससे उसका महबूब उससे नाराज हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको मोहब्बत है तो आपके अंदर भी ये अलामतें होनी चाहिए कि आप नबी करीम की इक्तदा और पैरवी करने वाले हों अगर आप वाकई में मोहब्बत करते हैं तो अलामतें अपने अंदर ढूंढिए कि आप वाकई माने में नबी करीम की सुन्नतों की इतबा करने वाले हों आप उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि करीमल्ला इब्तदा और पैरवी करने वाले हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल अकवाल पर चलने वाले हों उस पर अमल करने वाले हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से मना किया है उनसे आप रुकने वाले हों जिंदगी के तमाम शुबों में चाहे वो खुशहाली का पहलू हो या एक जो है तंगस्ती का पहलू हो या एक जो है खुशी का मौका हो या गम का मौका हो हर हालत में नबवी आदाब से आप आरास्ता पास्ता हो नबी नबवी आदाब पर आप चलने वाले हों अगर ये अलामतें आपके अंदर पाए हैं पाई जा रही हैं तो यकीनन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह ने कहा कुल इनकुंदुम तो हब्बल्ला फ़त तबि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो फि तो तुम मेरी इतबा करो मेरी पैरवी करो तो ये नबी करीम अलैहि वसल्लम का दूसरा हक हाँ था एक उम्मती पर कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तीसरा हक हाँ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम और तौकीर करे आपका एहतराम और अदब करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम और तौकीर इसका अल्लाह ताला ने क़ुर मजीद में हुक्म दिया है इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबरों व नदीरा लतुमिनोबिल्ला व रसूली व तोिरू व तो के जो है हमने आपको हमने आपको शाहिद और मुब्शर बना कर भेजा है नदीर बनाकर भेजा है ताकि तुम अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ और तुम उनकी मदद करो और तुम उनकी तो़ीर करो उनकी तवज़ीम करो नबी की तदवीम का अल्लाह ताला ने हुम दिया है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम की तदवीम करना आपकी तज़ीम करना आपका अदब और अहतराम करना उस अंदाज़ में अदब वहतराम करना जो नबी करीम सल्ला से वसलम सेबित है उस अंदाज़ में अहतराम करना जो नबी करीम सल्ला व्लम ने इसका हुक्म दिया है जो जो जैसा सहाबा करते थे वैसी तावीम करना ये हकीकत में ताज़ीम है नबी करीम अलैहि वसल्लम की तलीम और तोकीर पांच चीज़ों को शामिल है अगर पांच चीज़ें पहली चीज़ तो ये है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप जब तक बाकायद हयात थे आपकी इज़्ज़त और आपका एहतराम वैसे करना जैसे साहबा कराम किया करते थे अमरब ने आज की रिवायत में है फरमाते हैं कि माकाना अहदब अली रसूल सल्हम वला अजल्लफ़ी आई नीमिन अमर इबन आस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझे कोई महबूब नहीं था और मेरी आँखों में आपसे ज़्यादा जलीलुल कद्र कोई नहीं था कहते वमा कुंतु अतीकु अन अमला आईनी मिनु मैं आपको आँख भरकर देख भी नहीं सकता था इजलालन लहू आपके आपके जलालत और आपके जो है जलालत मंजिली की वजह से मैं आपको आँख भर कर देख भी नहीं सकता था वलो अन मा अतकतु। अम्र कहते अगर मुझसे कोई पूछता कि के की बयान करो अल्लाह के वसल्लम के, तो के मैं आपको आंख भर कर देखने की ताकत ही नहीं रख सकता था ताकत ही नहीं रखता था यानी यह नबी करीम सलम का एहतराम था यह आपकी ताजीम थी सहाबा आपको इतना 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 इज्जत दिया करते थे आंख भर कर आपको दे देखते भी नहीं थे और फिर दूसरा आपकी जिंदगी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपकी सुन्नतों का आपकी सुन्नतों का एहतराम करना आपका तस्करा जब आए तो अजब अदब और एहतराम से आपका तस्करा करना और आपके अहदीस और सुन्नतों को बयान करते वक्त इंतहाई अदब को मलहूज रखना और आपके नाम और आपकी सूरत को सुनते वक्त में भी अदब और एहतराम का लिहाज करना ये नबी के नबी की तज़ीम में शामिल है इसी तरीके से नबी की तहज़ीम में तीसरी चीज़ यह है कि आपके आल बैत आपके घर वालों आपके खान वादे की तज़ीम और अहतराम करना अजवाज मतहारात की मुकम्मल तज़ीम करना और आपके औलाद की तज़ीम करना यह भी आपकी तज़ीम में शामिल और दाखिल है नबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा इन नमा यूरीद उलुदान कुमरबैत वतहरा अल्लाह ताला चाहता है कि जो तो तुम से अहल बैद तुमसे गंदगी को दूर करे और तुमको पाक और साफ करे और अजवाज ज के बारे में अल्लाह ने कहा वह अजवा जुहू उम महातुहम के नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हलम के अजवा ज मतहरा ये मुसलमानों की माए हैं ये मुसलमानों की माए जैसे माँ का एहतराम होता है उससे कहीं बढ़कर अजवाज मतहरात का एहतराम होना चाहिए और चौथी चीज जो इसमें शामिल है वो साहबा का एहतराम है साहबा की इज्जत है साहबा का अदब है कि साहबा नबी करीम सल वसलम के जानिसार साथी है उनको सोहबत का शरफ हासिल है लिहाजा साहबा का तस्करा एहतराम से और अदब से किया जाए और उनके हक के सोबत का एतराफ़ किया जाए और साहबा को हमेशा तारीफ़ी और तोसीफ़ी अंदाज में उनका तस्करा किया जाए और साहबा के सिलसिले में जो जो रिवायतें उनकी कसर शान के सिलसिले में आती है चाहे वो तारीखी रिवायतें हों उसको कबूल ना किया जाए उसको रद्द किया जाए बल्कि साहबा को उनका अपना मकाम दिया जाए उनको उनकी तोसीफ़ और उनकी तारीफ़ की जाए ये ये भी नबी करीम अलैहि वसल्लम की तारीम में शामिल है अल्लाह ताला ने क़ुर मजीद में तफ़सील से साहबा की तारीफ़ की है कहा मोहम्मद रसूल वलिनमा अशिदा वल्कुफ़्फ़्फ़्फ़्लम उबिन यह साहबा की तारीफ़ में अल्ला ने कहा कि साहबा इन सिफ़ात के हामिल थे और अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तसब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्बु अबी मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो इसलिए अहदकुम मिसला औहदा बन माँ बल अगर बुद्ध हो वला नसीफ़ा हो क्या के नबी ने कहा कि अगर तुम में से कोई आदमी अगर तुम में से कोई आदमी ओहद के जैसा ओहद के बराबर अगर कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो एक सहाबी ने जो एक मुद्द या आधा जो खर्च किया है उसके बराबर सवाब तुम पा नहीं सकते और फिर आपने मिम्बा दी अभी बकरी उमर आपने कहा मेरे बाद दो जो आने वाले हैं उनकी इब्ता करो यानी अबू बकर और उमर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इब्तः का हुक्म दिया है तो सहाबा ये मुकर्रम शख्सियतें हैं इनकी तादीम नबी की तादीम के मफूम में शामिल हैं इसी तरीके से एक आखिरी चीज़ जो नबी करीम सल्ला वसलम की तलीम में शामिल है उन अमाकिन का और उन जगहों का एहतराम करना अदब करना लिहाज करना जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और जाया करते थे अब्दुल्ल्या इब्ने उमर के बारे में आता है कि इब्ने उमर कोई ऐसा अमल नहीं छोड़ते थे जिसको उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है अगर चाहे वह सुन्नत ना हो अगरचे के वह सवाब का अमल ना हो लेकिन फिर भी अब्दुल्लाबिन आमर उसको अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की तज़ीम में आपके एहतराम में आप के अदब में उसको किया करते थे जैसा कि सिफती एक एक किस्म की जूतियाँ हैं तो वो जूतियाँ अब्दुल्ला बबिन आमर पहना करते थे और फिर मदीने के बारे में नबी करीम सल्ला वसम ने मदीने की तज़ीम के बारे में आपने फरमाया मन हद हदसन मन अहदसा فيه حدثا فعليه फ़ाल हिलानत آوى محدثا فعليه लानत الله कति والناس अडमाइन के जो आदमी मदीने में कोई बिदत को ईजाद करता है या एक जो आदमी किसी बिदती को मदीने में पना देता है तो उस पर अल्लाह की लानत है उस पर फरिश्तों की लानत है और उस पर तमाम लोगों की लानत है यह मदीने का मकाम है कि अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मकाम बताया तो उन मका, वो मकामा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ज़िंदगी गुजारी है जहाँ आप आया और जाया करते थे उनका अदब और एहतराम यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम में शामिल है और आखिरी बात आखिरी हक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से आप पर दरुद भेजना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरुद भेजा जाए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की बहुत सी जगह बहुत सारी जगह है अल्लाह खुद इसका हुक्म दिया है व इनलामलईकत सलनबी या आमनू व वसली तस्लीमा अल्लाह ताला ने नबी पर दरुद भेजने का हुक्म दिया है हम भी हमको भी चाहिए कि हम कसरत से इसका एहतमाम करें ख़ास तौर पर जुमा के दिन कसरत से दरुद भेजने का अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम कसरत से आप पर दरुद भेजा करें और इसी तरीके से मस्जिद में दाखिल होते वक्त मस्जिद से निकलते वक्त और फिर नमाज़ में नमाज में तशहद तशाह के बाद और दुआ से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशहुत भेजने तशहद दरुद भेजने की हमें तालीम दी गई है और कलीमात सिखाए गए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है अल्लाम मसलआ महमदिन वजवाज ही व दुरियात ही कमा सलब्राहिम वबारक अला मोहम्मद वजवा जी वुरिया कम बारक तला इब्राहिम इनका हमीद मजीद ये आपने दरुद के अल्फ़ाज़ हमें सिखाए कि हम इसका एहतमाम करें दरुद बड़ा फजीलत वाला आमल है ये इतना फजीलत वालामल है कि बंदा अगर इसका एहतमाम करता है तो अल्लाह के नबी सल वसम ने कहा मन सलैम अमर्रता वाहन सल अल्लाह आश्रन कि जो आदमी एक मरतबा मुझ पर दरुद भेजता है एक मरतबा मुझ पर दरुद भेजता है अल्लाह उस पर दस रहमतें नाजिल करता है दस रहमतें नाजिल करता है इसलिए इसका कसरत से एहतमाम करना चाहिए और एक जो आदमी मुसीबत में गिरफ्तार है परेशान है परेशान हाल है तो उसका भी हल नबी करीम ने कहा कि जो कसरत से दरुद का एहतमाम किया जाए अपनी दुआओं में खास तौर पर दरुद का एहतमाम किया जाए उबै अबनकाब की रिवायत में है उबई अब नकाब की शुभ ईमान में रिवायत है कि उबै अबनकाब ने नबी करीम सलील्ह वसम ने नबी करीम सलील वसम उबई उबै अबनकाब ने पूछा कि मैं मेरी दुआओं में मेरी दुआओं में से कितना हिस्सा आपके आप पर दरुद भेजने के लिए रखूँ तो आपने फरमाया कि तुम जितना चाहो उतना दरुद भेजो आपने उबै अबनकाब ने कहा कि सुलुस मेरी दुआ का एक त्याई हिस्सा मैं आप पर दरुद भेजूंगा आपने कहा कि जो तुम चाहो अगर इसमें इजाफा करो तो और बेहतर है दोनों का आधी दुआ में आप पर दरुद भेजता रहूंगा तो कहा कि अगर तुम चाहो अगर तुम इसमें इस इजाफा करो तो और बेहतर है दोनों का पूरी दुआ में सिर्फ आप पर दरुद भेजता रहूंगा तो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे हम और गम के लिए काफी हो जाएगा अल्लाह ताली तुम्हारे जितनी फ़िक्रें हैं तुम्हारे जितने मसाइल हैं अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद भेजने का की फ़जीलत है या वो आपका हक है कि हम एक उम्मती इसको नबी का हक़ समझ कर कसरत से दरूद का एहतमाम करें आपका जब तस्करा आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस मजलिस में नाम आए तो बार बार दरूद भेजा करें आप पर दरुद पढ़ा करे तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है और जो आदमी ऐसा नहीं करता आपका नाम आने के बाद आपका तस्करा आने के बाद आप पर दरुद नहीं भेजता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा कि जो है रगिमा अनफु रजुल वो आदमी खाक आलू दो उस आदमी की नाक खाक आलू दो वो वो आदमी मिट्टी में मिल जाए जिसके जिसके सामने मेरा तस्करा किया जाए फलम यूसल आलिया और वो मुझ पर दरुद ना भेजे इतनी इतना बड़ा जुर्म है कि नबी का तस्करा आए और आपकी ज़बान से दरुद के कलीमात अदा ना हो आप नबी पर दरुद ना भेजें तो नबी ने कहा कि ऐसा आदमी खाक कलूद हो जाए मिट्टी में मिल जाए तो ये कुछ नबी करीम अलैहि वसल्लम के हकूक़ थे और बहुत सारे हकूक़ हैं लेकिन आ, इत, आ, वक्त काफ़ी हो चुका है तो मैं इसी पर इतफा करता हूँ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह त जो बातें हमने कही हैं उस पर अमल करने की हमें तोफ़ी अदा फरमाए और फिर जो हकूक़ आज अदा बयान किए गए हैं इनूक़ को समझने और उस पर अमल करने की हमें तोफ़ी दे बारकल्ला दावाना अलहमदिल्ल रब्बिल आल